तो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ हमारे इस YouTube चैनल SK बैंकिंग में। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप IB कार्ड की ID यूज करते हैं, IB कार्ड APS पेमेंट वाला ID अगर यूज करते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट ही मेन होता है APS संचालक के लिए। जो भी सर्विस यूज करते हैं उसका सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि इंडियन बैंक के BOC में इंडियन बैंक के क्यूस पोर्टल के लिए और किसी भी बैंक का BC होते हैं जो, उनके लिए ये IBBPF का सर्टिफिकेट होता है। उसी प्रकार से उससे थोड़ा सा कंज्यूमिंग IB कार्ड का सर्टिफिकेट है, जो कि स्पाइस मनी ऐसा ऐसा बहुत सारे ABS पोर्टल है उसका भी सर्टिफिकेट जनरेट किया जाता है। तो मैं IB कार्ड का सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करते हैं और आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। तो दोस्तों वीडियो बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आपको ये दिखाते हैं कि IB कार्ड का कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ पर देखिए, सॉरी उल्टा पकड़ लिया हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है IB कार्ड यस बैंक पावर्ड बाई यस बैंक, और यहाँ पर JTPL लिखा है यानी जबकुट प्राइवेट टेक्नोलॉजी, और यहाँ पर इंडियन बैंक CSP लिखा होता है, और यहाँ पर देखिए पूरा नाम लिखा होता है जिस जहाँ पर पैलेस होता है, पूरा चीज़ सभी चीज़ें, और यहाँ पर ID भी लिखी हुई होती है, और यहाँ पर एडुकेशन चीज़ें लिखी होती है कि कब तक खुलेगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें लिखी है, टाइमिंग लिखा होता है, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया होता है। यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है, आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप यहाँ पर देखिए इंटेग्रा का मोहर भी लगा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी हुई है। देखिए जकुर प्राइवेट ओनली कंप्यूटर BCS बैंक लिमिटेड आउटलेट, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए APS माइक्रो सिस्टम द्वारा नो एनी चार्जेस लिखा है, और यहाँ पर सर्विस चार्जेस बात करें तो DMT में लिखा है 100 रुपये से 49,750 तक का ट्रांजेक्शन करने पर एक परसेंटेज के हिसाब से चार्ज कटेगा, और उसमें से कुछ रिटर्न होता है। तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार का ये होता है, पूरा सर्टिफिकेट देखिए पूरा। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं, तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इस चैनल में आपको बैंकिंग रिलेटेड सभी वीडियो मिलती रहती है। तो चलते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाते हैं।